हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सीलिंग फैन के बारे में। अगर आपके घर में एक सीलिंग फैन है, अगर ये कैपेसिटर या ख़राब हो गया है या जो है आप बदलना चाहते हैं और इसका जो है वाइंडिंग नहीं कर पाते हैं, इसको जोड़ नहीं पाते, मैं आज आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जोड़ने का। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो भी जोड़ सकते हैं, अगर नहीं भी है जब भी जोड़ सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगा आज आपको। और ये जो है देख रहे हैं आप, ये चलेगा भी, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर है, आपको यहाँ पे बजर दिख रहा है, आपको ये बजर पे यहाँ पे लाके आपको सेट कर लेना है। और सेट करने बाद एक बार आपको यहाँ पे मैं एक बार सही से आपको दिखा देता हूँ बजर पे। जरा डिस्प्ले पे इसके ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पहले आपको इसको टच करके देख लेना, ये देखिए बीप का एक आवाज आएगा। और फिर उसके बाद आपको ये रेड वायर लेना है। अब इसमें से आपको जो है पता चल जाएगा कि कौन सा ये रेड वायर में आपको लगा देना है और आपको ये लगा देना है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये देखिए 197 इसकी रजिस्टेंस आ रही है। अब मैं इसको जो है ब्लैक वायर में लगा देता हूं, तो ये 281 आ रही रजिस्टेंस। तो दोस्तों ये रनिंग वाले नहीं ना, अब मैं इसको ब्लैक पे और येलो पे लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों ये आप ये देख रहे हैं, ये रनिंग वाले वायर हैं और यहाँ पे 478 रजिस्टेंस इसकी दिख रही है। अब इसी को हमें हटा के जो रेड पे लगाता हूँ, आपको ये रेड भी दिख रहा होगा, 281 आ रही है रजिस्टेंस इसकी। और जो है मैं इसको फिर ये येलो पे लगा देता हूँ, येलो पे आपको दिख रहा होगा 478 आ रही है आपके बिल्कुल सामने। अब मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये देखिए 281 या 82 आ रही है। तो दोस्तों जिसमें आपकी रजिस्टेंस यानी वोल्ट ज़्यादा दिखाए तो आपका उसी में कैपेसिटर लगेगा। ये देख रहे हैं आप, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरी 478 आ रही है रीडिंग और इसी में कैपेसिटर लगाएंगे। और बहुत ज़्यादातर जो है बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये मेरा रहा कैपेसिटर। तो दोस्तों ये जो है आपका कॉमन वायर है और ये जो है रनिंग वाला है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा था और मैं इसको येलो को येलो में जोड़ दूंगा। तो दोस्तों इसमें जो है कैपेसिटर में कोई माइनस प्लस नहीं होते हैं, चाहे आप ऐसे जोड़िए चाहे वैसे जोड़िए, इसकी कोई वो नहीं ना, ये सिर्फ जो है रनिंग करता है। और जो है वो आपको एक बार ध्यान रखिए, ये आपको जो है अगर आपका ये सीलिंग फैन है छोटा है तो ये जो है 2.15 UF का लगाइएगा, और इससे ज़्यादा अगर लगा लेंगे तो आपका जो है सीलिंग फैन ये जल जाएगा। तो आप ये बात जरा जो है ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये मेरा जो है कैपेसिटर जुड़ चुका है पूरी तरीके से, और मैं इसके जो है एक वायर लगा देता हूँ। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मेरे पास एक ये जो है केबल है प्लग वाली, और यहाँ पे मैं जो है इसको दिखा देता हूँ। ये भी देखिए इसमें कोई माइनस प्लस नहीं, एसी वोल्ट में नहीं दिखाई दे, इसमें जोड़ा जाता है। आप चाहे तो इसमें ब्लैक भी लगा सकते हैं और चाहे आप रेड भी लगा सकते हैंगे। तो दोस्तों अब आप इसको यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे जो एक ब्लैक वायर है आपको कैपेसिटर में ब्लैक वायर में ये लगाना है। ब्लैक वायर जो है ज़्यादातर रनिंग वायर होता है फेस का, और ये आपको दिख रहा है इसमें जो थोड़ा उल्टा वाइंडिंग का वायर निकला हुआ है, ये कॉमन वायर है यानी ये माइनस है और ये रनिंग है। और ये येलो वाला जो वायर है आपको इसमें कोई चीज़ नहीं जोड़ना है, बिल्कुल सादा रखना। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं इस तरीके से आपको पूरा कनेक्शन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरा कनेक्शन करना है। तो दोस्तों अब यह मैं यहाँ टीवी में जोड़ के दिखा देता हूँ, ये मेरी जो है 2 पिन की टीवी है, ये इधर से 3 पिन की टीवी है, इसमें जोड़ के दिखा देता हूँ वीडियो पुश करके। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं
मैंने इस पर जो है टीवी पे 3 पिन पे यहाँ पे कनेक्शन किए हैं और ये 2 पिन पे इस तरीके किए हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मेरा जो रेड वायर है ये कॉमन है, तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ये माइनस है। और ये मेरा आपका देख रहे हैं रनिंग है, और यहाँ पे ये रनिंग पे थोड़ा सा वायर ढीला है, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने टाइट कर लिया है। अब ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ये 2 वायर आए हैं, एक मैंने कैपेसिटर के और यह है वाइंडिंग से तार निकले येलो येलो में जोड़ दिया है। और ये मेरा जो है, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये फेस का है, ये रनिंग पे जोड़ दिया है। जो ये दोनों वायर रनिंग के हैं, आप इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं। और ये रेड वायर है, ये है माइनस का, इसको बोलते हैं कॉमन। तो दोस्तों ये मेरा कॉमन वायर है, और जो है बहुत सी कंपनियाँ देती हैं यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पे जो है रेड होता है। तो दोस्तों अलग अलग कंपनियों का अलग अलग फंक्शन होते हैं, आप जो है इस तरीके से जो है कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमने मैंने बताया ये यहाँ पे जो आपके कनेक्शन दिख रहा है रेड और ब्लैक, तो इसमें यहाँ पे आप रेड चाहे तो इसे नीचे लगा सकते हैं और ब्लैक चाहे ऊपर लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ना दूसरी बात ध्यान रखिए, कैपेसिटर का जो है इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। तो दोस्तों अब मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप ये देखिए बड़ी गौर से, ये मैं कनेक्शन ये देखिए। तो दोस्तों ये आप ये देख रहे हैं काफ़ी स्पीड से ये चल रहा है, इसे कैपेसिटर के अच्छे तार इसके जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप इस तरीके से घर पे आराम से जोड़ सकते होंगे। तो आप मैकेनिक के जो पैसे देंगे वो आपके मैकेनिक के पैसे बच जाएंगे, आप इस तरीके से कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, एक छोटा सा कमेंट कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।